एक अज्ञात व्यक्ति जो स्वयं को मूकबधिर बता के लोगों से मदद की मांग कर रहा है, मगर वह एक ऐसे कृत्य को अंजाम दे रहा है कि पुलिस उसकी बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही है। इसके संबंध में और जानकारी देते हुए रामनगर पुलिस स्टेशन की ओर से नागरिकों से क्या आह्वान किया गया, आइए देखते हैं। रामनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक राजेश मुले ने एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा नागरिकों से आह्वान किया है कि पिछले कुछ दिनों से चंद्रपुर शहर में एक व्यक्ति स्वयं को मूक बधिर बताकर हाथ में रसीद बुक लेकर सादे पोशाक पहनकर माथे पर चंदन का टीका लगाकर लोगों से मदद मांगने के बहाने सुबह के समय जब लोग मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर घूमने जाते हैं और घर के दरवाजे खुले रहते हैं तब उसका फायदा उठाते हुए यह व्यक्ति वर्गनी मांगने के उद्देश्य से घर में प्रवेश कर बाहर के कमरे मौजूद मोबाइल लैपटॉप पैसे चुरा कर भाग जाता है और इस संबंध में पुलिस स्टेशन रामनगर में मामला भी दर्ज किया गया है और इस व्यक्ति के संबंध में ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि वह चंद्रपुर में घूम रहा है। इसके लिए चंद्रपुर जिले के सभी नागरिकों से आह्वान किया जाता है कि इस व्यक्ति के संबंध में जानकारी मिलने पर तुरंत संपर्क साध कर इस व्यक्ति को पकड़ने में पुलिस को मदद करें। और वहीं रामनगर पुलिस को इस संशयित व्यक्ति के CCTV फोटो प्राप्त हुआ है और नागरिकों ने यह फुटेज तथा फोटो देखकर यह व्यक्ति दिखाई देने पर इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन रामनगर को दें और इसके लिए संपर्क क्रमांक है 9850829266। साथ ही सहायक पुलिस निरीक्षक हर्षल एकरे जिनका मोबाइल क्रमांक है 7798386838। नया पुलिस सिपाही लालू यादव जिनका मोबाइल क्रमांक है 9552800532। साथ ही पुलिस स्टेशन मोबाइल क्रमांक 07722523200 है। तो सुनिए इस संबंध में रामनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक राजेश मुड़े ने क्या जानकारी दी स्वयं उन्हीं की जुबानी। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि वैभव वारकर की रिपोर्ट। मैं सर्व चंद्रपुर वासियांना आवाहन करू इच्छितो कि दिनांक 27/1/2023 रोजी रतिराम बलराम घरामी राहणार संगीता अपार्टमेंट राधिका सभागृहाजवळ चंद्रपूर यांच्या घरून ते सकाळी मॉर्निंग वॉकला गेले असतात। लॅपटॉप आणि मोबाईल कुणीतरी उघड्यादारातून घेऊन गेलेला आहे, चोरून घेऊन गेलेला आहे। आम्हाला असं एक CCTV फुटेज निदर्शन आलेलं आहे की एक अनोळखी व्यक्ती वस्त्यांमध्ये फिरतो, एक नोटबुक घेऊन फिरतो, त्यामध्ये तो घरामध्ये आवाज देतो पहिले आणि जर घरात कोणी नसेल, दार उघडं असेल तर घरामध्ये जाऊन कुठे टेबलवर आठवला मोबाईल नगदी पैसे किंवा लॅपटॉप हा उचलून घेऊन जातो। सदरो व्यक्ती हा ची ओळख पडवण्यास आम्ही खूप प्रयत्न केलेला आहे परंतु त्याची ओळख पडत नाही आहे, कदाचित तो इतर राज्यातील असावा। तेव्हा माझं सर्व नागरिकांना आवाहन आहे की त्यांनी असा कोणी व्यक्ती आढळून आल्यास आम्ही संपर्क नंबर देत आहोत, त्या व्यक्तीचा फोटो देत आहोत आणि इवन क्लिप पण देत आहोत, व्हिडिओ क्लिप जे आहेत CCTV फुटेजचे क्लिप आहेत त्या पण देत आहोत। असा वर्णाचा व्यक्ती जर कुठे आढळला तर त्वरित पोलिसांशी त्यांनी संपर्क करावा किंवा शक्य होत असेल ताब्यात घ्यावं, जेणेकरून जे व्यक्ती सकाळी मॉर्निंग वॉक करता जातात आणि घरात दार उघडं ठेवतात किंवा दुकानामध्ये घर लागून असतं, दुकान बाजूला असतं तेव्हा दुकान उघडं ठेवून घरात काम करत असतात, अशा ठिकाणी होणाऱ्या चोऱ्या जे आपल्याला टाळता येतील आणि याला प्रतिबंध करता येईल। धन्यवाद।